गुड इवनिंग एवरीवन, आई पंकज जायसवाल, एफआर ऑफ कॉमर्स फैकल्टी। कल सेमेस्टर 4 एटीकेडी एग्जाम का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के लिए पास्ट ईयर्स के जो एटीकेडी के पेपर्स हैं वो जेरॉक्स सेंटर पर अवेलेबल नहीं है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को पास्ट ईयर के जो जेरॉक्स पेपर्स हैं मेरे पास उसके बिहाफ पे जो प्रिपरेबल क्वेश्चंस हैं मैं बताने जा रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए, तो सभी स्टूडेंट्स नोट कर ले। हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट 4 तक के क्वेश्चंस की, यूनिट 1, 2, 3 और 4। स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में फर्स्ट क्वेश्चंस है एग्जांपल ऑफ की फैक्टर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये यूनिट 1 में से क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये यूनिट 2 हो गया। और अब इसके बाद यूनिट 3 पर हम जाएंगे। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 पर है एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल एंड प्रोडक्शन बजट। उसके और में यूनिट 3 के और में क्वेश्चन नंबर 1 जीरो बेस बजट एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म एंड इंटर फॉर्म कंप्रेशन। ये जो यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 के और का क्वेश्चन था। अब लास्ट यूनिट की बात करेंगे हम यूनिट 4 की मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के। तो यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल ऑफ मटेरियल एंड लेबर वेरियंस। उसके और में यूनिट 4 के क्वेश्चन नंबर 1 के और में टारगेट कॉस्टिंग। ये जो 4 के 4 यूनिट के क्वेश्चंस मैंने आपको बोले ये प्रिपरेबल क्वेश्चंस हैं, आप सभी इससे कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प भी मिल सकती है। जिस किसी स्टूडेंट्स के पास पास्ट ईयर्स के पेपर नहीं है तो वो इसके बेस पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नमस्कार।